कहाँ चल दिए होटल से छोले लाने? देखिए, मैं तो घर में ही बनाती हूँ होटल से बढ़िया छोले। तो इसके लिए हमने कुकर में तेल गरम करेंगे, उसमें तेज़पत्ता डालेंगे, बारीक कटा प्याज डालेंगे, जैसे मर्जी वैसे काट के डालेंगे। उसके बाद प्याज को एकदम लाल होने तक भूनेंगे। जब हमारा प्याज इतना लाल हो जाए, थोड़ा लाल ही भूनेंगे, उसके बाद घर का पिसा मसाला डालेंगे, फिर नमक हल्दी डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, मिलाते हुए इसको भुनना है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद उसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे। इसमें एक प्रेशर, एक सीटी आने तक पकाएंगे। जब ठंडा हो जाए कुकर, तब हम देखिए मसाला हमारा कितना मेल्ट हो चुका, बिना मिक्सी के ही इसे पीसना नहीं पड़ा, क्योंकि हम झटपट वाले छोले बना रहे हैं। तो कुकर में ही 2 कटोरी भिगोए हुए छोले डाल देंगे। अब 2 कटोरी छोले में उसी के हिसाब से 2 कटोरी पानी डाल देंगे। 2 कटोरी पानी डालने के बाद घर का पिसा गरम मसाला भी डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कम से कम 4 सीटी आने देंगे। 4 सीटी के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे। जब हमारा कुकर ठंडा हो जाए, तभी ढक्कन खोलना है। उसके बाद देखिए हमारा छोले कितने अच्छे, दम लगाना है छोले में। तो हमने घी और जीरा को गरम करके उसी में छोले को डाल दिए हैं। देखिए हमारा जो छोले का कलर है, बाज़ार से मिलता जुलता आया ना, कितना टेस्टी। बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा हमें, तो हमने तो घर में ही छोले, बाज़ार से भी टेस्टी छोले घर में बना लिए। चाहे आप पूड़ी के साथ खाओ, चाहे आप भटूरे के साथ खाओ, चाहे आप रोटी के साथ खाओ, इतनी टेस्टी छोले आप घर में ही बना लोगे।